मैक्स प्रो एम वन तो लॉन्च हो चुका है और इसके फीचर्स आपको पता ही होगा, रेडमी नोट 5 और नोट 5 प्रो का किलर फोन है दोनों ही प्राइस सेगमेंट में। प्राइस एक्चुअली नोट 5 प्रो से भी कम है और फीचर्स उससे जबरदस्त है, कई मामलों में नोट 5 प्रो से आगे है। काफी अच्छा फोन है, आपको पता चल ही गए होंगे इसके फीचर्स, कल लॉन्च हो चुका है ये। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इसमें कमियां, 7 से 8 कमियां मैं आपको गिनाने वाला हूं, क्या प्रॉब्लम्स है इस फोन में जो आ रही है। और हाँ, मैंने इन कमियों को, इन प्रॉब्लम्स को ढूंढने में काफी सारे रिसर्च किए, काफी सारे वीडियोस देखे, काफी सारे जो रिव्यूज है पढ़े, तभी जाके पता चला कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस फोन में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। इसमें आपको जो है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 8 देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 3 GB और 4 GB की रैम है, 32 GB 64 GB स्टोरेज वेरियंट्स है, दो अलग अलग वेरियंट्स है, और बस IS5000mAh की बैटरी है। दैट्स ऑल, ड्यूल कैमरा है पीछे। सो इतना ही कुछ है इस फीचर्स में। सुबह मेरा नाम है निर्मल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। चलिए मैं आपको इसकी कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ क्या है, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रोजाना कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारे वीडियोस की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, ये फोन का साइज काफी मोटा है, आई मीन थिक है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 5000mAh की बैटरी, तो बैटरी की साइज ज्यादा है, उसकी वजह से फोन का साइज भी ज्यादा हो गया है, तो इसको फोन को होल्ड करने में काफी तकलीफ होती है। आई मीन इट्स 2018, आप भले बैटरी कम दे देते चलता था, ज्यादा देर हो ठीक है, बट यू कांट, मतलब आप साइज जो है बढ़ा नहीं सकते, फोन का साइज आपने मोटा कर दिया है। लोग जो है जितने भी स्मार्टफोन से थिन होते जा रहे हैं, आप जो है मोटा करते जा रहे हो, सो इट्स नॉट लाइक कि आप जो है बैटरी बढ़ा रहे हो, आपने कुछ चीजें अच्छी दे दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरी चीज में कॉम्प्रोमाइज करोगे। सो आपने भले 4000mAh की बैटरी देते, लेकिन आपको फोन जो है थिन करना चाहिए था, थोड़ा और पतला रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने थिक कर दिया, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है जो इसकी फोन की साइज बढ़ने की वजह से आप जो अपने हाथ में अच्छे से होल्ड कर नहीं पाते, इसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बैक में दिया गया है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर को जो है टच करने में, यानी कि फिंगरप्रिंट को अनलॉक करने में, फोन को अनलॉक करने में तकलीफ होती है, जो है प्लेसमेंट बराबर नहीं हो पाती, आप जो है फोन को अच्छे से पकड़ नहीं पाते इतना मोटा होने की वजह से फोन को, तो उसकी वजह से जो है आपकी उंगली जो है बराबर से टच नहीं हो पाती फिंगरप्रिंट सेंसर में, जिसकी वजह से फोन अनलॉक में तकलीफ होती है। और एक और जो प्रॉब्लम बैटरी से रिलेटेड, ये 5000mAh की बैटरी है, आपको पता है बैटरी मतलब नोट 5 प्रो से बहुत ज्यादा है, लेकिन NDTV गैजेट्स 360 के रिव्यू में पता चला है, उन्होंने ऐसा बताया है कि फोन को जो है बैटरी लाइफ एक्चुअली कम है, नोट 5 प्रो से कम चल रही है। सो इट्स अ प्रॉब्लम, मतलब हार्डवेयर में आपने अच्छी बैटरी दे दी 5000mAh की, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाया कि बैटरी लाइफ अच्छी चले, ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाए। सो वी होप कि आने वाले कुछ टाइम में जो है अपडेट्स की मदद से, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की मदद से जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाए, बट या करंटली इट्स अ प्रॉब्लम इन ZenFone Max Pro M1। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, आप जो है नंबर्स नहीं बढ़ा सकते, आपने नंबर्स तो 5000mAh कहने के लिए बढ़ा दिया, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही आपकी बैटरी तो इट्स यूजलेस। एक और जो प्रॉब्लम है वो कैमरा से रिलेटेड, तो कैमरा जो है अगर हम बात करते हैं तो ड्यूअल कैमरा आपको देखने को मिलता है, रेड साइड में 30 MP का मेन कैमरा है और उसके बाद एक 5 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कैमरा से रिलेटेड नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली वीडियो में है। वीडियो में आपके 2 एक्स्ट्रा मोड्स देखने को मिलते हैं, कई सारे मोड्स हैं एक्चुअली, उसमें से 2 मोड्स हैं QVGA और CIF मोड, तो 2018 में शायद ही कोई है जो यूज करता होगा, आई मीन 0% लोग यूज करते होंगे, तो इट्स यूजलेस, कुछ मतलब नहीं है QVGA और CIF देके आपने जो है परफॉर्मेंस को ऐसे ही कैमरा में एक्स्ट्रा मॉड्यूल डाल के वेस्ट कर दिया। एक और प्रॉब्लम कैमरा से रिलेटेड ये है कि कैमरा का जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे आप वीडियो क्लिक करते हो या फोटोज क्लिक करते हो, सो वो जो है कैमरा का एप्लीकेशन ही एकदम अजीब है, पता नहीं कौन सा कैमरा, जो गूगल का कैमरा तो है नहीं, बहुत ही अजीब सा कैमरा इन्होंने रख दिया, इसका इंटरफेस ही एकदम अलग है, पता नहीं कौन सा कैमरा है। सो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कई सारे लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता इंटरफेस कैसा है, लोगों को समझने में काफी टाइम लग जाएगा, तो आपका कैमरा ऑपरेट करना तो लोगों के लिए दूर की बात है। सो आप जो सिंपल रखना चाहिए था, आपको गूगल का कैमरा यूज कर सकते थे या स्टैंडर्ड कैमरा जो बाकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं, आप वो यूज करते थे, आपने पता नहीं कौन सा कैमरा यूज कर लिया। इसके बाद जो एक और प्रॉब्लम हो सकती है वो ZenFone UI से हो सकती है, Zen UI बोलते हैं बेसिकली उसको, तो Zen UI से रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पर आपने स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील तो दिया, एंड्रॉइड 8 दे दिया, दैट्स अ गुड थिंग, मतलब कुछ गिने चुने फोन हैं जो आपको एंड्रॉइड 8 दे रहे हैं, इवन रेडमी नोट 5 प्रो भी नहीं दे रहा आपको एंड्रॉइड 8, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एंड्रॉइड 8 दिया, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बेस्ट थिंग एक्चुअली। बट इसके साथ साथ इन्होंने Zen UI भी दिया, तो Zen UI में अब पता है आपको कि स्टॉक एंड्रॉइड का फील दे रहे हो आप एंड्रॉइड 8 के साथ, अगर आप फोन को ऑपरेट करोगे तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड का फील आएगा, लेकिन उन्होंने Zen UI अपनी खुद की UI भी घुसा दी वहाँ पे, और उसके साथ कई सारे जो है ZenFone के कई सारे एप्लीकेशन इनबिल्ट आपको देखने को मिलते हैं, बाहर के भी कुछ एप्लीकेशन हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब कुछ, मतलब बेसिक एप्लीकेशन बेसिकली देते हैं लोड करके, बट कई सारे लोग हैं जिन्हें ब्लोटवेयर नहीं पसंद, वी डोंट वांट ब्लोटवेयर, हमें जीरो ब्लोटवेयर चाहिए, सो फिर भी इन्होंने ब्लोटवेयर घुसाने की कोशिश की है Zen UI में, हालांकि नोट रेडमी और बाकी सैमसंग जैसे फोन्स की तरह इन्होंने बहुत सारा नहीं डाला है, थोड़े बहुत कुछ एप्लीकेशन डाले हैं,
बट अगर वो भी नहीं डाला होता तो और भी अच्छा होता था। एक और जो प्रॉब्लम कैमरा से ही रिलेटेड है वो ये है कि कैमरा का जो फ्रंट में कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, कैमरा तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन कैमरे के साथ साथ आपको फ्रंट में एक फ्लैश भी देखने को मिलता है। तो कई सारे रिव्यूअर्स ने ऐसे बताया है कि कैमरा का जो फ्लैश है, फ्रंट फ्लैश है, काफी ज्यादा हार्श है, मतलब हार्श लाइटिंग आती है। फोटो जो आप नेचुरल फोटोग्राफी, नेचुरल लाइटिंग में फोटोग्राफी लेंगे तो उल्टा बेटर आएगा, सेल्फीज काफी अच्छे आते हैं। ZenFone के कैमरा से आप इंप्रेस्ड हो जाएंगे बट जो उसका फ्रंट में एलईडी है, फ्रंट है एलईडी फ्लैश है, वो काफी हार्श है, तो इसकी वजह से तकलीफ होती है लोगों को। अगर आप फ्लैश ले रहे हैं, अगर आप सेल्फी ले रहे हैं फ्लैश के साथ, तो हो सकता है वो आपकी आंखों में आए और तकलीफ हो, आपकी आंखें बंद हो जाए। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उससे बेटर ये होगा कि आप नेचुरल लाइटिंग में लें। तो बच के रहिए अगर आपने ZenFone Max Pro लेने का प्लान कर रहे हैं, प्रो एम वन एक्चुअली, सो बच के रहिएगा, ये एक तकलीफ हो सकती है फ्रंट फ्लैश जो है आपके लिए। एक और प्रॉब्लम बैटरी से रिलेटेड है कि बैटरी कैपेसिटी आपको 5000 mAh की देखने को मिलती है लेकिन बैटरी के साथ जो चार्जर मिलता है, फोन के साथ जो चार्जर मिलता है वो आपको 5 वोल्ट 2 एम्पीयर के रेटिंग के साथ ही आता है, 10 वॉट का चार्जर है। सो यूजलेस है, मतलब आप अगर चार्ज करने लगाएंगे तो बैटरी आपने बहुत ज्यादा दे दी लेकिन चार्जिंग करने के लिए आपने उतना ही छोटा चार्जर दिया, कुछ मतलब नहीं है। उसको चार्ज होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, सो फालतू में 3 घंटे कौन चार्ज करना पसंद करेगा। सो यहाँ पर थोड़ी सी अगर फास्ट चार्जर देते थे, मतलब कुछ तो सीखते थे मोटरोला वगैरह, थोड़ा बहुत टर्बो चार्जर या फास्ट चार्जर, क्विक चार्जर कुछ भी है थोड़ा सा फास्ट दे देते तो और अच्छा होता था, बिकॉज 5000 mAh की बैटरी चार्ज करने में 3 घंटे से कम का टाइम नहीं लगने वाला। तो 5 वोल्ट 2 एम्पीयर अगर आप लेना चाहते हैं, वैसे स्नैपड्रैगन 636 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप फोन ले रहे हैं तो आप फास्ट चार्जर बाहर से ले सकते हैं जो कि आपकी 5000 mAh की बैटरी को 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज करते, तो आराम से आप 2 से 3 दिन यूज कर पाएंगे इस फोन को। प्रॉब्लम जो इसके साउंड से रिलेटेड है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल स्पीकर नीचे की साइड देखने को मिलता है, तो उसमें से आवाज जो है काफी लाउड आती है एक्चुअली, लेकिन जो है मतलब क्वालिटी नहीं है साउंड में। और इसके साथ इन्होंने कुछ कार्डबोर्ड टाइप की चीज दी हुई है जिसमें आप रख के जो है स्पीकर के वॉल्यूम को एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो हाँ वो एम्पलीफाई तो करता है बट मतलब कुछ मतलब नहीं है, उतना अच्छा नहीं कर पाता। और इसमें अगर आप गाने सुन रहे हैं तो ठीक है, आप फोन को जो है वर्टिकली होल्ड कर सकते हैं उस बॉक्स के अंदर और साउंड को एम्पलीफाई कर देगा, लेकिन अगर आप वीडियोस देख रहे हैं पोर्ट्रेट मोड में तो कुछ मतलब नहीं है, वैसे भी पोर्ट्रेट मोड में उसमें आएगा ही नहीं, तो यूजलेस है। और वीडियोस जनरली सब लोग पोर्ट्रेट मोड में देखते हैं, वर्टिकल में कोई भी देखना पसंद नहीं करता। तो दैट्स इट, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी और ये कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स, मैंने काफी सारे रिसर्च किया इस वीडियो के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर आप लेना चाहते हैं ZenFone Max Pro M1 तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बहुत अच्छा फोन है और प्राइसिंग में के मामले में तो किलर है, 11000 और 13000 में 3GB और 4GB वाले वेरिएंट देखने को मिलते हैं, तो मतलब Redmi की तो वाट लगा दी इस फोन ने। और आने वाले टाइम में जो है मोटरोला का मोटो G6 भी आने वाला है इंडिया में, तो देखते हैं उसकी प्राइसिंग क्या होती है, अगर उनको मोटरोला के लिए एक स्मार्ट मूव होगा कि वो भी इसी कैटेगरी में प्राइस रखें, क्योंकि वैसे भी अगर उन्होंने 10-12 हज़ार के ऊपर रख दिया प्राइस तब तो उनका फोन कोई लेने ही नहीं वाला, क्योंकि जो बेसिक वेरिएंट में ZenFone ने लॉन्च कर दिया काफी अच्छा फोन, और उसके ऊपर जो है Redmi का फोन तो है ही जो काफी सक्सेसफुल फोन रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में देखना ये है कि मोटरोला क्या चल पाता है या फिर Redmi का फोन चलेगा कि नहीं। Note 5 Pro में जो इतनी दिक्कतें हो रही थी, लोग जो है मारामारी कर रहे थे उस फोन को लेने के लिए, आई मीन 18-18 हज़ार में 14 हज़ार वाला फोन बिक रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि वो फोन को डिमांड रहती है या नहीं रहती है ZenFone Max Pro M1 के आने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा फोन है, किलर फोन है, आप डेफिनेटली जा सकते हैं इस फोन की तरफ। तो वीडियो के लिए इतना ही था, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो कर दीजिए लाइक, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक लाइक करके जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, डाउट हो, आप कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दैट्स ऑल।